आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं शुभेंदु कुमार। आज हम खड़े हैं साहेबगंज के प्रवेश द्वार में और बिहार झारखंड की सीमा पर मिर्जा चौकी में। आप देख सकते हैं कि यहां से साहेबगंज की जो सीमा है वह शुरुआत होती है। और आप जैसा कि आपको पता है कि आज 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस की 20वीं जयंती है भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, जहां पूरे राज्य झारखंड में पूरी जनता अपनी स्थापना दिवस को मना रही है। वहीं आज ही के इसी वर्ष में झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड 20वीं वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस प्रवेश के दौरान झारखंड ने 19 वर्षों बाद कितना पाया, झारखंड का कितना विकास हुआ, इन सभी बातों को लेकर हम आपके सामने आएंगे और आपको पूरे जिला का जो 3 विधानसभा है, राजमहल, बोरियो, बरहेट, इन तीनों क्षेत्रों के बारे में आपको हर वह जानकारी देंगे जिससे कि आपको पहुंचाया जा सके। आज 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस है। झारखंड 20वीं वर्ष में प्रवेश कर गया, इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इन 19 वर्षों बाद झारखंड का कितना विकास हुआ है और इसको किस रूप में देखते हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? विकास के बारे में जहां तक है, झारखंड के विकास के बारे में जहां तक है, अभी तक तो लोग उसी निगाह से देख रहे हैं झारखंड को जिस निगाह से देखना चाहिए। पहले के अपेक्षा अभी ठीक है, मिला जुला कर कर रहा है लोग, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें कितना विकास हुआ? इसमें तो कोई खास विकास नहीं हुआ, कोई खास नहीं हुआ है, लेकिन कोई खास विकास नहीं हुआ है। जो होना चाहिए शुरुआत से लेकर अभी तक वो नहीं हो पाया। और ये चुनाव जो हो रहा है तो इस चुनाव में सारे राजनीतिक खिलाड़ी सब तैयार होकर आ रहे हैं। अब देखिए किसका भाग्य है, खास करके राजमहल का भाग्य कहाँ जाएगा कोई कह नहीं सकता। निवर्तमान विधायक जो हैं आपके अनंत ओझा जी, इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, आप कितना संतुष्ट? नहीं संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव में वादा, उसने बहुत से वादे किए थे कि अगर यदि मैं, यही बोले थे वो कि अगर यदि मैं स्कूल नहीं बनवाऊंगा तो वोट मांगने के लिए मैं अपना नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो पार्टी जिसको उम्मीदवार करेगी उसी का हम आएंगे। लेकिन पुनः ओझा जी को वोट दिया गया, टिकट दिया गया और ओझा जी उम्मीदवार हैं। लोग यहाँ का कोई खास खुश नहीं है उसके अति से, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 10 व्यक्ति का पार्टी नहीं है। जब सरकार चलाती है तो कम से कम उसको चाहिए हर जनता से मिलने के लिए, जुलने के लिए। अभी अभी तुरंत का बात है, मेरे यहाँ एक सुनील नाम का आदमी गंगा के बाढ़ में डूब गया, विनाशकारी गंगा में डूब गया के बाद ओझा जी इस पर कोई अथी नहीं किए हैं, मैंने पहल नहीं करके कोई खास उसका, अभी तक उसका डीसी के अथी SDO के यहाँ